हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं जॉब सेंटर डेली पर। और हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति की। तो हम वहां पे पहुंच चुके थे मेरे पिछले वीडियो में, त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में जो है परस्पर संबंध रिलेशन ज्ञात कर रहे हैं। तो हमने वहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है उसकी वैल्यू के बारे में बात कर ली थी, उन दोनों का गुणन क्या होता है, एक होता है। उसके बाद हमने बात करी थी कोट ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा के बारे में, उनका मान एक होता है। और इसके अलावा हमने बात करी थी कोस थीटा और सेक थीटा के बारे में, उनका मान क्या होता है, एक होता है। इनसे दो रिलेशन निकल के आए, साइन थीटा बराबर वन अपॉन कोसेक थीटा, आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, और कोसेक थीटा बराबर वन अपॉन साइन ऑफ थीटा। ऐसे ही इससे दो निकल के आए और इससे दो निकल के आए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो साइन ऑफ थीटा का मान है वो साइन क्रॉस थीटा नहीं होता है, ये साइन ऑफ थीटा पूरा ही एंगल होता है, ये इसके बराबर कभी नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोस क्रॉस थीटा, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेन क्रॉस थीटा, ये सारी चीज़ें क्या है, गलत है। ये आपस में पूरा ही इस कोण का मान है, और कोण का जो अनुपात है वो क्या है, साइन कोस और टेन है, जो इनके गुणन में ना होकर इनके अनुपात का मान ही कोण है, इनका मान ही क्या है, इसका जो अनुपात है वो ही थीटा है। तो ये क्या बोलेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ना कि साइन क्रॉस थीटा, कोस क्रॉस थीटा और टेन क्रॉस थीटा, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे लेके चलते हैं इस रिलेशन को, तो उसमें क्या है, देखिएगा आगे, अगर ये कोई त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, ए बी और सी, ये क्या है, इसकी कर्ण है, ये क्या हो जाएगा, इसका आधार है, और ये क्या है, अगर लंब है, कर्ण आधार और लंब हमारे सामने है, ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण है, कोण ए क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो साइन थीटा का मान है, साइन थीटा क्या है, लंब बटा कर्ण है, और कोस ऑफ थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण है। मैं अगर यहाँ पे इनका स्क्वायर कर दूँ, लंब बटे कर्ण का मतलब क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर, और यहाँ पे आधार बटे कर्ण का मतलब क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर। मैं अगर इनको आपस में जोड़ दूँ तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, इसका मतलब ये जरूर हो सकता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये कभी नहीं होगा कि साइन थीटा का स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर कभी नहीं होगा, इसका मानिए हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो साइन थीटा और कोस थीटा को अगर मैं जोड़ दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। अगर हम मान लें तो ये क्या होता है, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि ए सी क्या है हमारे पास, लंब है, ए बी क्या है, आधार है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, बोधायन प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, तो ये मान क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर, मान क्या आया, एक आया। तो यहाँ से भी एक सर्व समीका निकल के आई, एक सर्व आइडेंटिटी निकल के आई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कि क्या होती है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक के बराबर होता है। तो पहली आइडेंटिटी हमारे पास क्या निकल के आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब इससे दो आइडेंटिटी और निकल के आती हैं, जैसे वहां पे निकाली थी, ए क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा का मान एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं मैं, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। कैसे किया,
कॉस को जब इधर पक्षांतरित करेंगे तो पॉजिटिव मान क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और बी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको लेकर भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये तीनों नोट कर लीजिएगा आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, आगे करूं मैं, अगर एक में टेन स्क्वायर थीटा को जोड़ दूं, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक में जोड़ दूं, तो वन प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब, ये था यहां पे लंब आधार और कर्ण, ये हमारे पास फिजिकल आइडेंटिटी आ रही थी। ये हमारे पास त्रिभुज था एक, देखिएगा ए बी और सी, तो यहां पे अगर एक में टेन स्क्वायर थीटा को जोड़ दूं तो मान क्या है, एक प्लस अगर लंब बटा में आधार ए सी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर, तो हमारे पास मान क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर, तो ये मान क्या हो जाता है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, मान क्या आएगा, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर, तो मान क्या आ रहा है, तो यहाँ पे मान क्या आया, बी सी बटा ए बी किसकी वैल्यू होगी, बी सी और ए बी मतलब कर्ण बटे आधार, ये किसका मान होता है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कर्ण और आधार का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, सेक ऑफ थीटा के बराबर होगा। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। तो हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी क्या निकल के आई कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां से भी दो चीजें निकल के आती हैं, पहली अगर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा के मान सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से भी क्या निकल के आए, हमारे पास तीन फॉर्मूलाज निकल के आए, पहला वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। यहाँ पे भी हमने क्या किया, पक्षांतरण ही किया है। उसके बाद आगे चलते हैं तीसरी वैल्यू के ऊपर, तीसरी वैल्यू के ऊपर जब चलेंगे तो आप थोड़ा लगाइएगा दिमाग, ए बी और सी, ये हमारे पास कोण ए 90 डिग्री हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि तीसरी आइडेंटिटी क्या हो सकती है, उसके बारे में जानकारी लीजिएगा। जैसे जैसे आप, अगर अब मैं क्या करूं, हमने टेन साइन कोस टेन देख लिया, अब कोट में अगर मैं एक जोड़ दूं, कोट स्क्वायर में अगर एक जोड़ दूं तो मान क्या आएगा, वन प्लस, हमने क्या किया था, जो कोट का वैल्यू होता है वो क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार ए बी का स्क्वायर बटा लंब ए सी का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बटा ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बटे में ए सी का स्क्वायर, ये क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, ये वैल्यूज क्या होती हैं, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, शायद आपको ध्यान हो तो किसके बराबर होती है, कोसेक के बराबर होती है।
तो मान क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो तीसरी आइडेंटिटी क्या निकल के आई हमारे पास, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। यहाँ से भी दो सूत्र निकल के आएंगे, पहला कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा क्या निकल के आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास वापस से तीन सूत्र निकल के आए। तो ये जो तीनों हैं ये आपस में संबंधित होते हैं, आपस में रिलेट करते हैं। तो ये इनको क्या बोला जाता है, इनको आइडेंटिटी बोला जाता है, सर्वसमिका बोला जाता है। ये हर जगह पे संतुष्ट करती हैं, हर कोण के लिए इनका मान क्या होता है, समान होता है। लेकिन थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री के इक्वल या 90 डिग्री के क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री तक ही हो, 90 डिग्री या 90 डिग्री तक है तो ये कोण क्या है, आपके मान दर्शाएंगे। अगर 90 डिग्री से बड़ा कोण है तो हो सकता है चेंजिंग हो जाए, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं ये 90 डिग्री तक अपना मान हमेशा सही दर्शाती हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, सर्वसमिका बोला जाता है, जहाँ जिसका मान हर कोण के लिए क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर आप 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट की वैल्यू जो भी रखोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है, अगर आपको कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा, अगर कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनका क्या हो जाएगा, वर्गमूल अगर ले लें तो हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, मान निकाल सकते हो। तो अब मैं बोल रहा था कि आपको जो कर्म है वो याद रखना है, उनकी जो उनको रैंडमली याद रखना है तरीके से, कि ए साइन थीटा के बाद क्या आता है, कोस थीटा आता है, कोस के बाद क्या आता है, टेन थीटा आता है, फिर कोट थीटा आता है, और सेक थीटा आता है, और फिर कोसेक थीटा आता है। और इसको याद करने के लिए मैंने क्या बताया था कि एस सी ने टी सी ली स्कूल से, और वो कहाँ पे चला गया, सैक ने कोसैक को बोला कि हम कहीं और चलते हैं। एस सी ने टी सी ली और सैक ने कोसैक को बोला कि हम कहीं और चलते हैं। तो ये क्या हुआ, साइन कोस टेन कोट सैक और कोसैक। अब ये कर्म कैसे काम आता है वो देखिए आप। अगर साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा और कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है, और टेन कोट का उल्टा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। ये पहला है, ये छठा है, ये दूसरा है, ये चौथा है, और ये तीसरा, और ये क्या हो गया, ये दूसरा और पांचवा, ये क्या हो गया, तीसरा और चौथा हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं इन दोनों को आपस में स्क्वायर करके जोड़ दूँ, सिंगल सिंगल, तो क्या हो गया, साइन का कोस से मान, कोस का साइन का कोसेक से मान, कोस का सेक से मान, और टेन का कोट से मान। अब अगर इनका स्क्वायर कर दिया जाए तो कैसे वैल्यू होगी, तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों का स्क्वायर कर दूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर टेन में एक जोड़ दूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। और कोट में एक जोड़ दूँ, कोट के स्क्वायर में एक जोड़ दूँ, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। मतलब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ से सीधी तीन आइडेंटिटी हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, टेन आता है, टेन का सीधा संबंध कोसेक से, और उसके बाद टेन का सीधा संबंध कोस से, टेन का सीधा संबंध क्या हो जाएगा, साइन कोस टेन और कोट का हमको क्या करना है, सबसे पहले तो सबका स्क्वायर कर दीजिए, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमारे पास एक मान आया, इसमें एक करके स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास सेक मान आया, और इसमें एक करके स्क्वायर करेंगे तो क्या आया, कोसेक हमारे पास क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। इन तीन वैल्यूज को आप नोट कर लीजिएगा,
पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ये तीनों वैल्यूज़ ही आपके काम आएंगी। इन तीनों वैल्यूज़ को नोट कर लीजिएगा और इन तीन से जो दो दो और बन रहे हैं टोटल, ये क्या हो जाएंगे? टोटल अगर लगाया जाए तो ये टोटल कितने फॉर्मूलाज हो जाएंगे? 9 फॉर्मूला हो जाएंगे। तो मैं आपको 1 by 1 फॉर्मूलाज नोट करवा देता हूँ और नोट कर लीजिएगा। पहला है साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। दूसरा है cos थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। कोट ऑफ थीटा बराबर 1/tan थीटा। sec थीटा बराबर 1/cos of थीटा। cosec थीटा 1/sin थीटा। यहाँ पे एक और वैल्यू लिख लीजिएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और ये कोस ऑफ थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ पे अगली वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 1 plus tan square theta बराबर sec स्क्वायर थीटा, और 1 plus cot square theta बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज क्या कीजिएगा आप नोट कर लीजिएगा। इससे निकल के आया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 minus cos square theta, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 minus sin square theta। ठीक है, उसके बाद बात करें ठीक है दूसरी वैल्यू की बात करूं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसके बाद क्या हो जाएगी? sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इसके लिए दो वैल्यूज हो जाएंगी, तो इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 1 plus cot square theta आपको पता ही है, 1 plus cot square theta इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वैल्यूज हो जाएंगी, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और इसके अलावा जो मेन है वो तीन है। ये इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, एक साथ हैं। आगे हम चलेंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके जो कोण है थीटा की जगह अगर 0, 30, 45, 60, 90 रख दिया जाए, उन वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थोड़ा पढ़ के रखिएगा, ठीक है, बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।